بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم students. I hope you all will be in good health. Today we are going to talk about another diagram which is known as context diagram. Context diagram हमारे पास modeling के अंदर ही आती है, तो आज हम ये देखेंगे कि context diagram क्या चीज़ है. जैसे कि हम अभी तक study कर चुके हैं कि हर एक सिस्टम, जो भी कुछ सिस्टम होगा, उसका कोई ना कोई आर्किटेक्चर जरूर होगा. और आर्किटेक्चर की भी हम डेफिनेशंस बहुत दफा देख चुके हैं कि आर्किटेक्चर के अंदर सिस्टम के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है. क्योंकि हर सिस्टम के अंदर एलिमेंट्स होते हैं और रिलेशनशिप्स होते हैं, इसलिए इसका मतलब ये है कि उनका कोई ना कोई आर्किटेक्चर जरूर है. लेकिन ये सिस्टम जो है ये अकेले काम नहीं करता, ये किसी न किसी और सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करता है. इसको इस सिस्टम की एनवायरनमेंट कहते हैं जहां पर ये सिस्टम काम करता है. तो अब हम ये देखेंगे कि हमने इस एनवायरनमेंट को या इस कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से मॉडल करना है. ठीक है, तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या चीज है और आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट को कैसे मॉडल किया जाता है. लेट्स स्टार्ट विद the idea of context diagram. Context diagram shows what is in and what is outside of the system. जब आप सिस्टम को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप स्टेक होल्डर के साथ बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि क्या क्या चीजें सिस्टम के अंदर आएंगी और क्या चीजें जो है वो सिस्टम के बाहर होंगी. कौन सी फंक्शनैलिटी ये सिस्टम प्रोवाइड करेगा और कौन सी फंक्शनैलिटी जो है वो हम और सिस्टम से लेंगे. कौन सी काम जो है वो इसने इस सिस्टम के अंदर होने हैं और कौन से काम जो है वो एक्सटर्नल एंटिटीज प्रोवाइड करेंगी जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगी. इसको कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहते हैं. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का अगर हम लफ्जी मतलब भी देखें तो कॉन्टेक्स्ट मींस बैकग्राउंड. तो यहां पर भी हम जब एक आर्किटेक्चर बनाने लगते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, तो उसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है. सो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इज ऑफन यूज्ड एज अ फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ आर्किटेक्चरल इंफॉर्मेशन. हम आगाज जब मॉडलिंग का करते हैं तो स्टार्ट ही हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के साथ करते हैं. मेन मकसद क्या है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम का? इट शोज हाउ द सिस्टम इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड. जो सिस्टम आप बना रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो बाकी और बाहर की जो एंटिटीज हैं, जो आउटसाइड वर्ल्ड है, उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम का इनका मेन मकसद ये है. मेन यानी हमारा फोकस कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में सिस्टम के अंदर उसकी डिटेल बताना नहीं है कि उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं और उसके अंदर क्या डिटेल्स है, वो बताना नहीं है. बल्कि हमारा मकसद ये है कि हम जो सिस्टम हम बनाने लगे हैं ये आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे कम्युनिकेट करेगा. आउटसाइड एंटिटीज क्या हो सकती हैं? वो ह्यूमन भी हो सकते हैं, वो दूसरे सिस्टम्स भी हो सकते हैं, वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं जैसे सेंसर्स वगैरह हैं या कोई कंट्रोल डिवाइसेस हैं. कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होंगी? तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के अंदर पहली बात तो ये कि हमारा वो सिस्टम मौजूद होगा. जो हम सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो सिस्टम या उसके एलिमेंट यहाँ पे मौजूद होंगे. हम इस सिस्टम की डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पर. हम सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हम एक तरीके से इस सिस्टम को डिस्टिंग्विश कर सकें कि उसके सिस्टम के बाहर क्या है, उसके एनवायरनमेंट में क्या है, उसके साथ कौन सी एक्सटर्नल एंटिटीज इंटरेक्ट कर रही हैं. तो सिस्टम की डिटेल यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं होगी. लेकिन बहरहाल पहला जो कॉन्टेंट है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम का, वही सिस्टम बजाते खुद है जिसका हम आर्किटेक्चर बना रहे हैं और जिसके लिए हम ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बना रहे हैं. सेकंड नंबर पे हमारे पास सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन ऑफ डेटा है. सोर्स ऑफ डेटा मतलब जहां से डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, डेस्टिनेशन ऑफ डेटा जहां पर डेटा पहुंच गया है, जहां पर डेटा ने इस्तेमाल होना है. आर स्टिमुलाई, स्टिमुलाई कहते हैं इनपुट्स को, जहां से इनपुट जनरेट हो रहा है. आर कमांड्स प्रोसेस्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी. तो ये सारी चीजें हमने इस कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के अंदर बतानी है कि डेटा कहाँ से, इसका सोर्स कहाँ है, कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जा कहाँ रहा है, कहाँ पे जाके इस्तेमाल हो रहा है, इनपुट्स क्या हैं, कमांड्स क्या हैं,
और ये सारा डेटा जो है प्रोसेस्ड बाय एंड प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी। एंटिटी मतलब ये है कि ये जो हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम कौन सा डेटा जनरेट कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से डेटा जा रहा है और कैसे प्रोसेस हो रहा है, तो ये सारा कुछ इट शोन आउटसाइड द सिंबल फॉर द एंटिटी बीइंग डिस्क्राइब्ड। तो इसको हम इस एंटिटी से बाहर शो करेंगे कि कहाँ से डेटा, हमारे सिस्टम को डेटा कहाँ से आ रहा है और हमारे सिस्टम किसको डेटा दे रहा है। तो ये चीजें हमने कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के अंदर बतानी है। थर्ड नंबर में हमारे पास है अदर एंटिटीज विद विच द एंटिटी बीइंग डॉक्यूमेंटेड मस्ट इंटरेक्ट। तो हमारा सिस्टम हो गया, लेकिन हमारा सिस्टम और बाकी किन सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो भी हमने यहाँ पे बताना है कि हमारा सिस्टम बाकी किन सिस्टम्स के साथ, किन एंटिटीज के साथ उसकी इंटरेक्शन है। तो यहाँ हमने हमारे पास ये तीन चीजें होगी, एक एंटिटी हमारा सिस्टम, दूसरी डेटा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, और तीसरी चीज ये कि बाकी कौन सी एंटिटीज इंटरेक्ट कर रही हैं। सो प्योर कॉन्टेक्स्ट डायग्राम डज नॉट इंक्लोज एनी आर्किटेक्चरल डिटेल्स। मैंने आपको भी बताया कि हम अपने सिस्टम की, जिसको यहाँ पे एंटिटी कहा जा रहा है, उसकी डिटेल्स नहीं बताते कि इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं। हम सिस्टम के बाहर की चीजों के ऊपर फोकस है कि हमारा सिस्टम बाहर के आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। सो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम डू नॉट शो एनी टेम्पोरल इंफॉर्मेशन। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के अंदर टेम्पोरल इंफॉर्मेशन नहीं होगी, यानी ऑर्डर ऑफ इंटरेक्शन, कैसे किस ऑर्डर में इंटरेक्शन हो रहा है। पहले नंबर पे एक सिस्टम दूसरे को डेटा भिजवा रहा है, फिर दूसरे नंबर पे वो सिस्टम वापस इसको डेटा भिजवा रहा है, फिर तीसरे नंबर पे, ये ऑर्डर नहीं होगा। और इसी तरह डेटा फ्लो के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि डेटा किस तरह से फ्लो हो रहा है। एक और चीज जो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में नहीं है वो है द कंडीशंस अंडर विच द डेटा इज ट्रांसफर। डेटा कब ट्रांसफर किया जाएगा, क्या कोई इनपुट आया है, किसी सेंसर ने इसको डिटेक्ट किया है इनपुट को। स्टिमुलाई फायर्ड का मतलब यह है कि किसी सेंसर ने कुछ सेंस किया है और उस सेंसिंग की बेस पर कुछ काम होना है, या मैसेज कुछ ट्रांसफर हुआ है उसकी बेस पर कुछ डेटा ट्रांसफर होना है। तो ऐसा ये चीजें भी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के अंदर स्पेसिफाई नहीं होंगी। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक सेंटर में सिस्टम है जो हम डेवलप करना चाह रहे हैं। सपोज ये सिस्टम है मेंटल हेल्थ केयर का और हमने इसमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन को हमने सेव करना है, तो ये सिस्टम हम डेवलप करना चाह रहे हैं। अब ये सिस्टम को हमने एक एंटिटी के तौर पे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है इस सिस्टम की, कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम। तो उस पूरे के पूरे सिस्टम को हमने यहाँ पर एक एंटिटी के तौर पर रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया। अब इस डायग्राम में बताया जा रहा है कि हमारा सिस्टम आइसोलेशन में नहीं है, ये और सिस्टम्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। किन सिस्टम्स के साथ मिलकर काम कर रहा है, पेशेंट का रिकॉर्ड यहाँ से इस सिस्टम से आ रहा है, पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम से, फिर इसी तरह पेशेंट को हॉस्पिटल में जब एडमिट किया गया है तो एडमिशन सिस्टम से उसका रिकॉर्ड आ रहा है, फिर अपॉइंटमेंट सिस्टम से, डॉक्टर के साथ अगर उसकी अपॉइंटमेंट है तो वो यहाँ ये इस सिस्टम मेंटेन कर रहा है, फिर इसी तरह प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम में जो उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मौजूद है, फिर इसी तरह ये सिस्टम जो है ये स्टेटिस्टिक सिस्टम के साथ भी रिलेटेड है, ताकि जो स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं उनको कलेक्ट किया जाए और उन रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह ये सिस्टम जो है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम के साथ भी इसका ताल्लुक है, ताकि मैनेजमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स जनरेट की जाए, बेड एलोकेशन वगैरह उनको मैनेज किया जाए। तो इस तरह ये मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं जिसके साथ मिलकर ये सिस्टम काम कर रहा है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिस्टम की एक बाउंड्री डिफाइन हुई भी है। अब इस सिस्टम के एक्सटर्नल क्या क्या चीजें हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, लेकिन एक मसला है इस सिंपल कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में, वो ये है कि इस सिस्टम का बाकी सिस्टम्स के साथ क्या रिलेशनशिप है वो स्पेसिफाई नहीं हो रहा। हो सकता है कि बाकी सिस्टम्स कोई डेटा प्रोड्यूस कर रहे हों जो कि इस सिस्टम ने यूज करना है, या ये हो सकता है कि ये सिस्टम कोई डेटा जनरेट करना हो जो कि बाकी सिस्टम्स ने यूज करना है, या ये हो सकता है कि ये सारे सिस्टम्स एक ही जगह पर हैं, एक ही बिल्डिंग में हैं, या अलग अलग बिल्डिंग्स में हैं। तो ये कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें पता नहीं चल रही।
इसका मतलब ये हुआ है कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के साथ हमें फिर और प्रोसेस मॉडल्स भी यूज करने पड़ेंगे जो हमें ये सारी डिटेल बताएं। अगर हम यूएमएल की बात करें तो यूएमएल के अंदर हमारे पास कोई इस तरह से एक्सप्लिसिट मैकेनिज्म नहीं है कि हम कॉन्टेक्स्ट सिस्टम का बता सकें। यूएमएल के अंदर सिर्फ एक डायग्राम है जिस यूज केस डायग्राम कहा जाता है, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से यूज केसेस होंगे और उसके साथ एक्सटर्नल एक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो इस सेंस में आप कह लें कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट को शो करने के लिए यूज केस डायग्राम यूएमएल के अंदर यूज की जा सकती है, लेकिन एक्सप्लिसिटली यूएमएल के अंदर कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम हमें यूएमएल से हटकर सेपरेट बनानी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मीट यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।